हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब बढ़िया होगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। हम जा रहे हैं सराहा और मेरे साथ है ध्रुव। है हाय ध्रुव। और मेरे साथ है ध्रुव, सेजल, पल्लू और मीनाक्षी दीदी भी आ रहे हैं और आ रहे हैं हमारे साथ। बहुत लोग हैं, मतलब नीतू भी है, रितु भी है, वो लोग। हम लोग जा रहे हैं सराहा। हम लोग क्यों सराहा जा रहे सेजल? मंदिर को तो हम लोग जा रहे हैं मंदिर दर्शन करने। इतनी तेज धूप है, ये लोग पता नहीं कैसे लोग हैं, जल्दी जल्दी आते नहीं, इतना वेट करवाते हैं ये लोग। हाँ, तो हम जल्दी जल्दी चलेंगे अब। और आगे है, सारी टीम पहुंच गई है, रितु भी आ गई है और नीतू भी आ गई है। हाँ, धूप तो बहुत तेज है और जब हम लोग जाते हैं ना तो ये तीन तो पक्के ही होते हैं, सेजल, ध्रुव, पल्लू। वैसे तानी भी है। तो माना भी पता नहीं कहाँ जाता है लड़कियों के साथ। तू लड़कियों के बीच कहाँ जा रहा है? कल तो बोलता कि मैं नहीं हूँ वही, मैं नहीं रहता लड़कियों के बीच, तो आज तू कहाँ जा रहा है? साक्षी दीदी अपने सॉक्स दिखा रही थी, मैंने नेरवा से सॉक्स लाए। ध्रुव तूने क्या लाया भाई? ये मोड़ तो रितु मैं कुचल दे रहा, ये मोड़ मैं नहीं भूल सकती इसको कभी भी नहीं। कल लो तुम यार ये मोड़ ना, मैं बताऊं आप लोगों को, इस मोड़ से ना हमारी, मेरी, रितु की, और मतलब जब स्कूल टाइम में हम फ्रेंड्स होते थे तो बहुत बड़ी एक एक्सीडेंट हुआ था हमारा इस मोड़ में। ये वो मोड़ है जिसमें हमारा एक्सीडेंट हुआ था। मेरा क्लासमेट है यार, जो भी आ रहे थे मेरा क्लासमेट जा रहे है। ओ भाई मुझे भी वापस जाना पड़ रहा है क्योंकि नहीं मिल गई है लिफ्ट। तो ये तो हमने गाड़ी ही फुल कर दी है। हाय सेजल। ध्रुव बोल रहा है कि इसको सराहा में गड़बड़ लग रही है, क्या गड़बड़ लग रही है? अच्छा आप लोग बताओ मेरे को, मैंने सफाई किया है एनएसके कैंप में, कैसी हुई है? भाई एनएसके कैंप में सफाई करी है, किसी भी एंगल से सफाई नहीं लग रही है। इधर होते मैं ही थी कागज उठाने, देख सकते हैं आप। अच्छा इधर बता, यहाँ नहीं यार, यहाँ भी तो थी। ये कौन बेशरम इंसान है? नहीं फिर से बताते जाना फिर। नहीं मैं आपको मंदिर के पास, पानी में डूब गए। नहीं मैं मंदिर के इतना शरारती है ना ये कार्गो करके आना। देख हमारा सीनियर सेकेंडरी स्कूल फ्रेंड की बिल्डिंग कितनी प्यारी बन रही है। और ये पता कब से बन रही है? उस टाइम को हम जब स्कूल में स्टार्टिंग में आए थे ना अपने सराहा वाले स्कूल में, तो हमें जो हमारे दीदी वगैरह होते थे शीतल दीदी, मीनाक्षी दीदी, तो ये लोग बोलते थे कि भाई जब तक तुम लोग आएंगे ना तब तक तुम मतलब तुम्हारी क्लासेस यहाँ होगी और हम भी पास आउट हो गए, तुम लोग भी पास आउट हो गए, ये भी पास आउट हो जाने। लेकिन यहाँ पे कभी नहीं, मेरा प्लस टू रहा है पर अगले साल पल्लू सेजल के लिए, तो उन बच्चों के लिए तुम मीनाक्षी दीदी पार्टनर चेंज कर दिया आपने, मीनाक्षी दीदी को देख सकते हैं आप, उनका पार्टनर चेंज किया है। अंजलि दीदी और दीदी की एक खास बात, शॉर्टकट की रास्ता है वो मैं दिखाऊंगी आपको। उधर ही होते आते थे भाई, 4:30 बजे घर पहुंचना है तो पहुंचना ही पहुंचना है। और ये सबसे आगे जो मीनाक्षी दीदी ये बोल रही थी कि मेरा रोज का है, मैं 5 बजे पहुंचती थी, मैं उनसे ऊपर क्यों 5:30 बजे पहुंचती हूँ? 6 बजे भाई हमारे एक मतलब एक पत्थर का खिलान टाइप साढ़े चार पहुंचना, उसके बाद इन्होंने झाड़ी से परी वो खेले
जैसे साढ़े चार पाँच सौ हमने खिलान टाइप है ना वहाँ पे पहले जैसे कोई जा रहा ना जैसे ऐसे आवाज़ें मानी उसको खुद छुप जाना जैसे उसको लग रहा ना और जैसे वो जाए गाने को और फिर से आवाज़ें तो मेरे स्कूल का मैं एक एक मोमेंट याद है कि मैंने क्या क्या मारे थे। हाँ आप थे ही बहुत शरारती। मैं दिखाती हूँ अपना स्कूल जूते ओपन चैलेंजर तो वहाँ पे है मेरा स्कूल मतलब अंजलि दीदी और दीदी भी यहीं से पढ़ के गए हुए हैं। ये देख सकते हैं आप बिल्डिंग है हाँ की बाकी परमानेंट वो स्कूल बनने वाला वो पास ये वाली है। प्रसाद में क्या मिला तुम्हें? वाव इतना टेस्टी होता है ना यहाँ का प्रसाद। ये है हमारे आराध्या देवता बिजट महाराज जी का मंदिर। और सबसे बड़ी बात मैंने इनके नाम पर ही अपने यूट्यूब चैनल का नाम भी रखा है। और ये है हमारे देवता जी। तो जो इनका मंदिर है ना ये 9 मंजिल का है क्योंकि इसमें 5 ऊपर है ना मीनाक्षी दी 4 नीचे है। वैसे लगता नहीं है कि ये 9 मंजिल का होगा क्योंकि इनको जो हमारे 5 है नीचे हमारी हाँ बाद में लूँगी मैं जो हमारी मतलब अपने उसमें पहाड़ी में बोलते हैं इनको 9 पोरेरा राजा। तो इनकी जो 4 मंजिल या 5 कितनी है नीचे 1 2 3 4 5 है ऊपर 4 नीचे है 4 मंजिल अंडरग्राउंड है मतलब नीचे है और 5 मंजिल ये जो ऊपर दिख रही है। तो इसी वजह से इनको भी मतलब इनको 9 पोरेरा राजा भी बोलते हैं। और ये मतलब जो हमारा पूरा हामल परगना है बहुत हमारे हामल परगने के आराध्या देवता है बिजट महाराज जी और शिरगुल महाराज जी। मतलब हामल के नहीं चौपाल के नहीं यहाँ पे दूर दूर से बहुत लोग आते हैं इनके दर्शन करने के लिए। ये बहुत ही भव्य मंदिर है जो कि हमारे हामल क्षेत्र में है। यहाँ पे बहुत से लोग दिख रहे हैं और ऊपर को पिलर भी दिख रही होगी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चला वहाँ पे पूरे मंदिर बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है। और ये है सराय और ये परे भी बहुत परे तक है सराय। यहाँ पे बिजट महाराज जी का मतलब यात्री निवास है जो भी जैसे चूरधार आते हैं सराहा आते हैं तो यहाँ पे लोग रुक सकते हैं। तो जितना कहे बिजट महाराज जी के बारे में उतना बहुत ही कम है। मतलब यहाँ पे ना फुर्सत से व्लॉग बनाना पड़ेगा एक बिजट महाराज जी के इतिहास के बारे में क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये एक मतलब 10-15 मिनट में ख़त्म हो जाएगा क्योंकि बिजट महाराज जी का इतिहास बहुत बड़ा है। तो किसी एक्सपर्ट से पूछ के यहाँ पे एक न्यू व्लॉग मैं बनाऊँगी पक्का कभी आने वाले टाइम में। और ये सराय भी बहुत ही सुंदर है। चले अब हम दर्शन करके वापस लाइट पे हम ऐसे टूट पड़े हैं ना। ये पता क्या समझते हैं हमारी ज्यादा बेइज्जती होगी इनकी रियो में। ये है हमारी खड ये है ये है हमारे सहा का व्यू। भाई मैं ऐसे नहीं दिखा पा रही मुझे डर लग रहा है कहीं मेरे हाथ से फोन गिर गया तो बस चले श्रद्धालुओं कहाँ से नीचे को चलते हैं ना। ये द्रौपदी मस्तियां कर रहा है बढ़िया आराम से। ओ भाई वाह 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 यहाँ पे हर टाइम हर दिन इतना रश होता है इतनी ज्यादा भीड़ होती है ना जब भी देखो हाँ। नमस्ते जी जोर से बोलो एक बार उनको जूम करके देखेंगे कैसे नहीं हमारे को देखे क्या वो होता है उनको आवाज देनी। ये देखो ये गए आगे आगे ये ध्रुव बिल्कुल फिल्मी अंदाज में कूद रहा है। अभी आगे हम यहाँ पे मीनाक्षी दीदी कुछ शॉपिंग कर रहे हैं। अब लेंगे भी आपकी बस वैसी आई टेड दिवाली नथिंग विच
हाँ जी ये तो देख ही रहे, लेनी तो इन्होंने वैसे भी नहीं है। वेट करो इसका, छोटा में लेना। नहीं नहीं छोटे में लेना, मैंने बड़े में ही, मैं फिर क्रॉस कर लूंगी इसको। कितने का ये बताओ, अब लेट ही गई मैं किस पे। ये 750 750 तो मेरे मेरे से ज्यादा होगी ये। मैं तो कितनी लंबी हूँ वैसे। और मासी भी आए है ना, मासी का है आज को ही हम बुलाते। तो चले अब घर की ओर। या क्यों नहीं रहे, क्या बन रहे ये बंदे भी नहीं। बोट चक्की फेरे हमें जाने कब गुजरा अमृतसर कब लाहौर का प्यार मेरा भूल नहीं लगा तो हो गई। अंजलि